सिटिंग एमएलए अगर वो आ जाते हैं आपके साथ में तो आप स्वागत करेंगे उनका? मानव समाचार, मानवता के हक में। आप जानते हैं कि आज 7 सितंबर है और पिछले साल आज ही के दिन 7 सितंबर 2022 को हमारे नेता आदरणीय खासदार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। ये भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा थी, एक तारीखी वाकया था जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर का सफर इस यात्रा ने पैदल तय किया था। और इसका मकसद एक ही था कि भारत को जोड़ के रखना है, नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने का काम हमारे राहुल गांधी जी ने किया है। कन्याकुमारी से निकल के कश्मीर तक का लंबा सफर, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, धूल हो, मिट्टी हो, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे और अब उनके पैर में छाले आ गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि लोगों के दिल में जो छाले आए हैं नफरत के, वो मेरे पैर के छालों से बहुत कम है, नफरत का जवाब मोहब्बत से देने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया गया था। ये यात्रा करीब करीब 17-18 दिन महाराष्ट्र में भी थी और इस यात्रा ने एक देश का माहौल बदल दिया और यह साबित किया कि देश में मोहब्बत बांटने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, नफरत बांटने वालों की बहुत। जिस तरह से लोग जुड़े, चाहे वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, श्रीनगर तक लोगों का हुजूम की हुजूम, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए, हर वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, क्रिश्चियन, हर समाज के लोग उनके साथ में आए और यात्रा में शामिल होकर यात्रा को कामयाब बनाया। अब यात्रा ने इतना परिवर्तन कर दिया है कि उसके नतीजे आपके सामने आए हैं कि यह यात्रा कर्नाटक से गई 14-15 दिन और कर्नाटक में मेजॉरिटी के साथ में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। तो आज हम उस यात्रा को याद कर रहे हैं और वही यात्रा के लक्ष्य के ऊपर आज महाराष्ट्र में भी, पूरे महाराष्ट्र में जनसंवाद यात्रा का आयोजन किया गया है। नागपुर विभाग में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नाना पटोले जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, अमरावती विभाग में उसका नेतृत्व विजय वरेट्टीवार जी कर रहे हैं, मराठवाड़ा में अशोक चौहान जी कर रहे हैं और इस विभाग में यात्रा का नेतृत्व आदरणीय बाड़ासाहेब थोराज जी कर रहे हैं और कोंकण में सब जगह हमारे सीनियर नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो जनसंवाद यात्रा का मकसद ये है कि लोगों के बीच कहा जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मन की बात रेडियो से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जनता की मन की बात सुनने के लिए रास्ते पर आए हैं। तो ये जनसंवाद यात्रा को बहुत अच्छा, एक लोगों से हौसला मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं कि यात्रा जो 13 तारीख तक चलने वाली है कामयाब होगी। अब हम आते हैं, पिछले 9 साल से मोदी सरकार इस देश में, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार चल रही है, लेकिन आप अगर देखें कि महंगाई आसमान को छूने लगी है। एलपीजी का जो सिलेंडर 2014 में 450 रुपए का था, आज वो बढ़ के 1150 रुपए का हो गया। 800 रुपए बढ़ाए गए, फिर 200 रुपए कम किए गए। ये हमारे जो माँ बहनें जो घर का काम करती है, खाना बनाती है, चाय बनाती है, सुबह उठ के जैसे ही गैस सिलेंडर चालू करती है तो ये महंगाई की मार हम सबको झेलना पड़ रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। एक और वादा किया गया था कि 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को जॉब दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। 9 साल हो गए हैं इस सरकार को आके, उस हिसाब से 18 करोड़ जॉब बेरोजगारों को मिलना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हुआ। कोविड और नोटबंदी की वजह से करोड़ों लोगों जो जॉब पे थे उनके जॉब चले गए। तो 9 साल में एक भी आदमी ऐसा बता दे जिसको सरकारी जॉब मिला है, वहां पर भी ये सरकार पूरी तरह नाकाम हुई है। एक और वादा किया गया था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, 15 पैसे भी मुझे नहीं लगता किसी के अकाउंट में आए। ये इसके बारे में सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 18% जीएसटी खाने पीने के तेल पे, किराने पे तक लगा दिया गया है,
इससे महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और आम आदमी का बुरा हाल यहाँ पर हो रहा है। आपका ये इलाका नासिक का, यहाँ पे प्याज का काफी यहाँ पे पीक होता है, यहाँ पे कांदे के व्यापारी, कांदे के किसान बुरी तरह से परेशान है, उनको अपनी फसल रोड पे लाके फेंकने की नौबत आ गई है। और अने कहने का मकसद ये है कि कोई भी इस सरकार से, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक को कोई भी खुश नहीं है। हमारा ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, आप देखते हैं खास तौर पे अल्पसंख्यकों के साथ पे अन्याय करने का काम ये सरकार कर रही है। नारा तो दे रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को ये विश्वास में लेके काम कर रही है। अल्पसंख्यक के ऊपर एट्रोसिटी की घटना बढ़ रही है, मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ रही है, इस तरह का काम किया जा रहा है। बड़े मुश्किल से अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती थी केंद्र सरकार की तरफ से, वो भी बंद कर दी गई है। तो कहने का मकसद ये है, इनका जो नारा है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, ये बिल्कुल खोखला है, इसमें कोई कोई दम नहीं है। अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मणिपुर में किस तरह से हमारे आदिवासी बहनों को एक बिना कपड़े के रोड पे परेड करा दिया गया। जब कहां था इस देश का संविधान, कहां थे ये लोग? ये बातें करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी तक बंटवारा होता था जात के, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, अब इन्होंने नया बंटवारा ला लिया, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया का नाम, इंडिया का नाम बदल के भारत लेने का यहाँ पे नई कोशिश की जा रही है। कहां कहां से आप भारत का, इंडिया का नाम हटाएंगे? आप देखिए हमारे पासपोर्ट पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है, नोट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहां कहां से नाम आप हटाएंगे? क्या ऐसा करके फिर से नोटबंदी लाने का प्लान है? ये सरकार कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार, 9 साल में ये सरकार ने कुछ नहीं किया है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चाहे किसान हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सब इनके वादे सब खोखले, झूठे और बेबुनियाद। इनमें कोई, इन्होंने जो वादे किए इसमें कोई दम ही नहीं था, सब झूठे वादे करके इन्होंने लोगों के वोट लिए हैं, सरकार में आए हैं, सरकार बनाई है, लेकिन लोग अब, मैं समझता हूं कि लोगों ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखाने के लिए जनता पूरी तरह तैयार है। और आने वाले चुनाव में 2024 में इंडिया जो संगठन, जो एक बहुत मजबूत अलायंस बन के उभरा है, और वो अलायंस इतना मजबूत बन के उभरा है कि ये इंडिया का, भारत का नाम बदलने के लिए आ गए हैं। तो मैं तमाम आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए हम आए हैं कि अब आने वाले 2024 में विधानसभा हो, लोकसभा हो, इसमें इंडिया मजबूती से आएगा और भारतीय जनता पार्टी के जो खोखले झूठे वादे थे उनको सबक सिखाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। ये कहने के लिए आज पूरे महाराष्ट्र में ये पत्रकार परिषद है, मेरे साथ मालेगांव की जिम्मेदारी थी, मालेगांव में मैं आया हूँ, और आपके अगर कुछ सवाल है तो आप बताइए। बिल्कुल सही है। मैं एक और एक मिनट, यहाँ पे पावर लूम की जो इंडस्ट्री है इसके लिए आपने देखा कि पिछले महीने, शायद 1.5-2 महीने पहले इमरान प्रताप गढ़ी साहब की यहाँ पे बहुत बड़ी सभा हुई है, और पावर लूम इंडस्ट्री को भी किस तरह से उनके जो समस्याएं हैं उसको केंद्र में उठाने का काम हमारे इमरान प्रताप गढ़ी साहब करेंगे, और आमदार होने के नाते विधान परिषद में उठाने का काम मैं करूंगा, ये विश्वास यहाँ की जनता को दिलाने के लिए आया हूँ और आपके माध्यम से बता रहा हूँ। आपने एक अच्छा, बहुत ही कीमती वक्त गुलाम नबी आजाद के साथ जी 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 बिल्कुल नहीं भाई, कैसे, गुलाम नबी आजाद साहब वो अपने राह पर है, हम अपने राह पर, हमारी जिंदगी, मेरे दादा, मेरे वालिद इस कांग्रेस में एक कार्यकर्ता बोल के काम किया है, इस पक्ष ने मुझे इतना कुछ दिया है, इस पक्ष के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं, खून का खतरा भी दे दूं तो उत्तम होगा। हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और हम सब लोग कांग्रेस को जिंदगी भर, कांग्रेस ही एक विचारधारा है जो इस मुल्क में बीजेपी जैसी फिरका परस पार्टियों से लड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, देखिए रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है कि अगर आप
मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसको मस्जिद का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और उसको जोड़ के आप मदरसे को जोड़ के मस्जिद कर रहे हैं तो दोनों रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए अगर वो आ जाते हैं आपके साथ में तो आप स्वागत करेंगे उनका? नहीं, ये देखिए मैं वही बता रहा हूँ, ये एमएलए का प्रवेश करना नहीं करना ये निर्णय हमारे हाईकमान नाना पटोले जी, थोड़ा सा अशोक चौहान जी और हमारे जो भी प्रभारी है हाईकमान दिल्ली में, जो हमारे बैठे खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी के लेवल का निर्णय, इसके बारे में मैं बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन पक्ष ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर कोई आता है तो उसको रोकने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो अगर पक्ष में आता है उनको क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये निर्णय हाईकमान।